इन फाइनेंसिस को फिर मैनेज करना. सो ऑल दिस थिंग कम्स अंडर दिस न्यू सब्जेक्ट ऑफ आर्स एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड द फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट द मीनिंग एज आई एक्सप्लेन यू प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये सारी चीज. मतलब पहले तो प्लान करोगे बिजनेस, फिर पैसा ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसको सही जगह पे खर्च करोगे और कंट्रोल तरीके से खर्च करोगे. So this is what our financial management is, and in that we have business finance, money and credit employed in. जो पैसा business में लगाने के लिए चाहिए उसको business finance बोलते हैं. Procurement and utilization of fund, fund है ना. College है तो college को fund चाहिए था, government ने fund दिया, building बना, government ने fund दिया, college run किया. So these are the financial organization so that it helps us to make our business operational effectively and efficiently. Business finance will include all type of funds. Business में जो use होगा capital create करने में और assets create करने के बाद operation के लिए दोनों तरीके से चाहिए होगा. So scope क्या है? Investment decisions include investment in fixed asset, which is known as capital budgeting. आपको याद होगा journal में पहला entry हमारा यही होता था to कैश अकाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट. याद है? एनीबडी रिमेंबर? यही तो यही स्टार्ट हो गया बिजनेस. इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. फिर फाइनेंशियल डिसीजंस हो गए, दे रिलेट टू रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज. आप शेयर से लोगे, कैपिटल डिवेंचर से लोगे, आप लोन से लोगे, या आप फाइनेंसर्स मार्केट में बैठे उनसे लोगे जो बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार है, पार्टनर से लोगे, कौन से रिसोर्स से पैसा. आपके पास अपना खुद का फैमिली फंड है, फैमिली बिजनेस है, वहां से लोगे. सो ऑल दिस थिंग आर फाइनेंशियल डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन क्या है? द फाइनेंस मैनेजमेंट मैनेजर हैज टू टेक अ डिसीजन विथ रिकार्ड टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. अब आपने शेयर बेचा तो जितने लोग शेयर होल्डर थे उनको बाद में आपको प्रॉफिट बांटना पड़ेगा ना. यस सर. तो उसको डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स बोलते हैं एक, और दूसरा होता है retained profit. Amount of retained profits has to be finalized, which will depend on expansion. Business expense करना है, diversify करना है. मान लो एक रेस्टोरेंट खोले, बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा, कल को आप उस ब्रांड को बढ़ाना चाहोगे. जैसे मार्केट में आपके पास है मैकडोनल्ड्स है, KFC है, डोमिनोज है, ये हर रोज नए नए आउटलेट खोलते हैं. तो अगर ये सारा शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांट देंगे तो नया आउटलेट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो कुछ yes. कुछ शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दे विल शेयर विद देम एंड सम परसेंटेज दे विल कीप विद देम सो दैट अ न्यू आउटलेट कैन कम, सो दैट यू कैन कन्विंस योर शेयर होल्डर्स दैट वी विल गिव यू मोर एंड मोर प्रॉफिट इन कमिंग ईयर. बिकॉज ऑब्वियसली इफ द बिजनेस कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग द नेट प्रॉफिट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग. आज इस साल नहीं होगा, दो साल बाद होगा, तीन साल बाद होगा, बट होगा. कैपिटल आपके सेटअप्स हो जाएंगे, जितने ज्यादा आउटलेट होंगे उतने ज्यादा कस्टमर बेस होगा, जितना बड़ा कस्टमर बेस होगा उतना बड़ा रेवेन्यू बेस होगा. एंड देन आफ्टर रेवेन्यू इफ यू माइनस द एक्सपेंसेस एंड एसेट्स एलोकेशन एंड एवरीथिंग यू विल हैव द नेट प्रॉफिट व्हिच विल बी मच हायर देन व्हाट इट वुड हैव बीन फ्रॉम अ सिंगल आउटलेट. ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? टू एंश्योर दैट रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड इज देयर. हर समय जितना फंड चाहिए हर समय अवेलेबल रहे. We need to ensure adequate returns to the shareholder. जो लोग पैसा लगाए हैं उनको रिटर्न. कई बार फिल्म वगैरह में भी देखते हो या सुने भी होगे, आप पैसा इतना लगाइए ना सर आपको दो साल में डबल करके देंगे, सुने हो ना. तो समथिंग वो डबल वाली कहानी कहाँ सच है कहाँ झूठ है, आई एम नॉट गोइंग इनटू. आई एम टॉकिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न दे पाएंगे. ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन, जितना पैसा है उसको बेस्ट तरीके से कैसे हम मार्केट में निगोशिएट करके कम खर्चा में ज्यादा एसेट अपना डेवलप कर सकते हैं, वो प्लानिंग करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है. कि मेरे पास पैसा जितना, कहते हैं ना एक मुहावरा कि जितना बड़ा चादर है पैर उतना पसार. सो सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है और बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए मेरे को इस तरह से निकालना होगा, कुछ पैसा आई कैन कीप इट फॉर एक्सीजेंसी. लाइक पेंडेमिक आ गया, रेस्टोरेंट सारे बंद थे, स्टाफ को सैलरी देना था, फंड रहेगा बिजनेस हाउस के पास तभी ना सैलरी घर बैठा के भी दे पाएगा. सो ऑल दिस थिंग विल कम अंडर
फंड यूटिलाइजेशन, सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा ऐसी जगह लगा दिया, अगर हम जाएंगे मान लो इफ देयर इज इंटीरियर ऑफ अ विलेज वेयर प्रॉपर रोड्स आर आल्सो नॉट देयर एंड आई ओपन अ रेस्टोरेंट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हाउ वेल इट विल डू? सर इट विल गिव अ लॉस, नथिंग एल्स, लॉस ना। तो फिर कई एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास इतना भी पैसा नहीं बचेगा कि उस बिजनेस को बेच के भी आप अपने सारे फाइनेंशियल लायबिलिटीज पूरी कर सको। सो यू हैव टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करते हैं उसके लिए, आप मार्केट सर्वे करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालते हैं, बिजनेस यहाँ पे ऐसे चलेगा। देन टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, देयर शुड बी साउंड एंड फेयर कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल सो डेट वी हैव, मतलब अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी, मतलब कितना मेरा उधारी है और मेरा पास कितना अपना एसेट डेवलप हुआ है, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि कल को बिजनेस नेगेटिव में ना दिखे। जो हम लोग लास्ट में बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो एक तरफ लिखते थे ना लाइबिलिटीज और एक तरफ लिखते थे ना एसेट्स, तो एसेट और लाइबिलिटी में अगर तराजू की तरह बैलेंस नहीं रहेगा तो मतलब मेरा बिजनेस अंदर से खोखला हो चुका है, तो शेयर मार्केट में मेरी वैल्यू गिर जाएगी। So something like that way is a part of objective of financial management. Then क्या क्या function है financial में? एक capital requirement plan करना, एक business start करने के लिए कितना पैसा चाहिए हमें, determination of capital composition, हमको estimate करना है कि जो हमारा capital structure जो होगा वो किस तरह से होगा, short term loan कितना लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन कितना लेंगे। कुछ होता है ना बिजनेस में कि इतना पैसा तो हम तुरंत रिटर्न कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढो जो मुझे 3 महीना 6 महीने के लिए दें, बाद में उनको वापस कर देंगे, और कोई ऐसा इन्वेस्टर ढूंढो जो मेरे बिजनेस के साथ जुड़ा रहे कि 5 साल बाद भी उसको रिटर्न दें तो वो तैयार हो रिटर्न के लिए। चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड कहाँ कहाँ से, शेयर से आप लोगे, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे, या बॉन्ड्स वगैरह मार्केट में दोगे कि आप हमसे ये बॉन्ड खरीद दिए 5 साल बाद आपको डबल पैसा फिक्स है कि वापस हो जाएगा, तो वो शेयर नहीं है वो बॉन्ड है। जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचती है ना, तो उसमें वो रिटर्न की गारंटी देती है, तो बॉन्ड वही है कि रिटर्न की गारंटी है कि आप 2 लाख लगाइए 3.5 लाख रुपए आपको 5 साल बाद रिटर्न देंगे, वो मेरी फिर जिम्मेवारी होगी। तो मेरे पास 5 लाख तक 2 लाख है, वो आदमी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, 5 साल बाद मुझे उसको 3.5 लाख देना ही पड़े, तो ये बॉन्ड्स हो गए। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड है, उसको एलोकेट करना कि कहाँ पे लगाएंगे पैसा जहां से रिटर्न स्मूथली आए, कुछ जगह ऐसा लगाएंगे कि जल्दी रिटर्न आए, कुछ जगह ऐसा लगाएंगे कि रिटर्न आराम से भी आए लेकिन बिजनेस हेल्दी हो जाए, राइट। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड, सरप्लस फंड बचा जो नेट प्रॉफिट है तो डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को, कुछ प्रॉफिट अपने पास रखेंगे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, आउटलेट्स बढ़ाने के लिए, बिजनेस को या बड़ा करने के लिए 30-सीटर रेस्टोरेंट है तो 60-सीटर रेस्टोरेंट बनाएंगे, सिर्फ मेरे पास मान लो मिठाई की दुकान है तो बेकरी भी खोलेंगे, समथिंग लाइक दैट। फिर कैश मैनेजमेंट है फंक्शन, फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक डिसीजंस विद रिगार्ड ऑफ द कैश मैनेजमेंट, की कैश को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या चीज कैश में पेमेंट करना है क्या चीज नहीं करना है, जैसे पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्रेडिटर्स है, करंट लायबिलिटी है, मेंटेनेंस है बिजनेस का, रॉ मटेरियल खरीदना है, खाने का आइटम है, सब है, सैलरी देना है स्टाफ को, तो पहले ही हमको बजट प्लान करना होगा कि इतना परसेंट हम सैलरी में खर्चा करेंगे। जो हम लोग होटल अकाउंट्स पढ़े थे ना लास्ट सेमेस्टर में, था ना कि रेस्टोरेंट के लिए इतना परसेंट एलोकेटेड है सैलरी, या बिजनेस के हिसाब से सेल्स के हिसाब से हम लोग का एलोकेशन था, कैलकुलेट करके कुछ जनरल कॉस्ट को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एक होता था फूड कॉस्ट, तो डायरेक्ट सेल्स वर्सेज कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। एक फाइनेंशियल कंट्रोल की कैसे प्लान करना है कि फंड कैसे खर्च होना है, कैसे कंट्रोल रखना है, नहीं तो अपराध कोई भी खर्चा कर देगा ना, तो हम एनालिसिस करके बनाएंगे कि इतना हम रेस्टोरेंट को देंगे, इतना रूम्स को देंगे, इतना हम फूड एंड बेवरेज को लिए देंगे, इतना हम बैंक्वेटिंग के लिए देंगे, फ्रंट ऑफिस को देंगे, फोरकास्ट करेंगे कि अगले साल मेरा बिजनेस कैसा होगा और फिर मेरा खर्चा कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, दोनों को कैलकुलेट करके हम अपना निकालते हुए रेशियो को हम अपना कंट्रोल बनाए रखेंगे। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट चैप्टर इज, वेरी स्मॉल चैप्टर, दिस टॉक्स अबाउट मीनिंग स्कोप ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। सो आई विल शेयर द नोट्स टू यू ऑल, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द नोट्स। सो
The next topic will be financial statement analysis and interpretation. That is a long chapter. और उससे ही बड़ा चैप्टर होगा फिर रेशियो एनालिसिस थर्ड चैप्टर. तो वी विल कीप ऑन गोइंग लाइक दैट. कोई डाउट है कभी है फाइनेंस से सब्जेक्ट से रिलेटेड है. तुम जितने आए हो यहाँ पे तो डाउट वाले कम ही देख रहे हैं. आप जो जिनको डाउट हो सकता हो क्लास ही नहीं कर रहे. एक आदमी कोई घट गया बीच में. कौन घट गया? आई रिपीट. अभिषेक रवि से यस और नो फटाफट. टाइम नहीं है. अंकित निहारिका है. निहारिका नहीं. निहारिका इज नॉट देयर. ओके. सलोनी है, उत्कर्ष और यस है. कोई देख रहे सो निहारिका इज नॉट देयर इन द क्लास. सो शी इज एब्सेंट इन द क्लास. ओके. ठीक है. गुड डे टू यू ऑल. टेक केयर. यू टू सर. ओके. थैंक यू सर. द फर्स्ट